जिलाधिकारी जगत राज त्रिपाठी ने राज्य पोषण मिशन के तहत गोद लिए गांव धर्मपुरा एवं चौकपुरी स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों का किया निरीक्षण। पुलिस ने किया उधम सिंह नगर निवासी नरेंद्र हत्याकांड का खुलासा। 20 सितंबर को अफजलगढ़ क्षेत्र के जंगल में मिला था नरेंद्र का शव। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में हो रही वृद्धि के विरोध को लेकर बिजनौर में आप कार्यकर्ताओं ने भैंसा बुग्गी पर सवार होकर किया प्रदर्शन। नूरपुर के हिमपुर प्रथिया निवासी की अनूठी पहल। बेटे के जन्मदिन पर एक शख्स ने गांव में बनवाया शौचालय। जलीलपुर के ग्राम शाहपुर में राशन की दुकान को लेकर खुली बैठक के दौरान हुआ हंगामा। हंगामे के बाद चुनाव स्थगित किया गया। सिहारा पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा पशु चोर। चोरी के पशुओं को गाड़ी में चढ़ाते वक्त पुलिस ने दबोचा। राम दरबार में पहुंचे अभी तक चैनल के डायरेक्टर शरद राजवंशी। धामपुर के रामबाग में चल रही रामलीला का फीता काटकर किया उद्घाटन। धामपुर के ग्राम नंगली लाडन में सस्पेंड पड़ी राशन की दुकान को बहाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। सिहारा में धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री राम की भव्य बारात। बिजनौर के साहनपुर नगरीय क्षेत्र को मिला खुले में शौच मुक्त होने का प्रमाण पत्र। देवरिया में ड्यूटी जाते वक्त की गई डॉक्टर की हत्या के विरोध को लेकर बिजनौर में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के तत्वाधान में किया गया शोक सभा का आयोजन। हाथों पर काली पट्टी बांधकर जताया हत्या का विरोध। अफजलगढ़ पहुंचे हिंदू रक्षा सेना एवं सनातन धर्म महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरिजी महाराज का किया गया भव्य स्वागत। चांदपुर के विवेकानंद इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत किया गया पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। नहटौर में गांगन पुल के पास दो बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार हुआ गंभीर घायल। नजीबाबाद में लोगों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आर्य इंटर कॉलेज में किए गए कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हल्दौर के CD इंटर कॉलेज में किया गया निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जिले के जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के साथ की बैठक। जन सूचना अधिकार के तहत आए मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए।